माधवी लता जी कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है और सेक्युलर तरीके से वो वोट मांग रही है। जो आपको नहीं दिख रहा वीडियो वो अभी तो देख लो ना, अभी तो देख के पूछो, कहीं कुत्ता डर रहे। हमने चलाया क्या चलाया आपने, सवाल तक पूछने आप डर रहे सवाल पूछने को। सर एडिटर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए ना, हम तो सवाल कर रहे हैं। आप चलाओ सवाल किया, दुनिया देख चुकी है कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है। और उर्दू का शेर है, जहाँ शेर है वो इधर आ सकता, उधर गुनर आजमा है, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा है। ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद है, ये आप लोगों का बायसनेस है। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस स्टेट में, तो तेलंगाना में है, क्यों है, अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहोंगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप, तो क्या है आपका, क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से खतरा है और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहां ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डाल देते। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोएक्टिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं, हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है, ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है।